हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं यहाँ गेस्ट हाउस में आई हुई हूँ। ये हमारी फैक्ट्री का ही गेस्ट हाउस है। इसका लुक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बगीचा है, यहाँ माली भी वर्क करते हैं। बहुत खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। आज मैं आपको इन पेड़ों से मिलवाऊंगी। ये देखिए, गुलदाउदी लगा रखी है। दरअसल अक्टूबर का मंथ है तो यहाँ तैयारी चल रही है फूलों को लगाने की, इसीलिए खाली हैं। जब विंटर्स में इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, मौका लगा तो फिर मैं आपको यहाँ विंटर में भी एक झलक दिखाऊंगी फूलों की। बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारा सा पार्क मेंटेन है। कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर चांदनी देखिए, पूरे किनारे किनारे लगी हुई है। कितनी प्यारी सी चांदनी है। इसे कहते हैं जमीन में लगे पौधे। कितने चौड़े चौड़े पत्ते, हम पॉट में लगाते हैं तो कितने ये पतले पतले से ही इनके पत्ते होते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पौधे। ये गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं सारे पौधे। ये ढेर सारा गुलाब लगा हुआ है। वेरी नाइस व्यू। जब फूल खिलेंगे तब बहुत सुंदर आपको इन पौधों से मिलवाऊंगी। ये रेड हिबिस्कस तो मेरे हाथ में ही आ गया। रेड हिबिस्कस का पौधा है, काफ़ी पुराने पौधे हैं ये, खूब फूल लगते हैं इन पे। कितने शाइनी शाइनी लीव्स हैं। इस पार्क में माली वर्क करते हैं और मालियों की सेवा से पौधे और गार्डन चमकता ही है। बहुत सुंदर। ये देखिए ब्यूटीफुल टोपियारी, ये टोपियारी देखिए। नमी रोकने के लिए पत्थर डाल दिए हैं, इससे भी नमी सेव रहती है। बार बार पानी लगाने का झंझट भी नहीं रहता। ये बोगनविलिया है, ये वाइट चांदनी देखिए फ्रेंड्स, फूल भी लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए बोगनविलिया, कितनी बढ़िया सी बोगनविलिया है। ये हमारे पप्पू भैया हैं जिनने हमारी बहुत हेल्प की वीडियो बनवाने में, और यहाँ तक मुझे पौधों के बारे में भी इन्होंने बताया। ये कितने सुंदर सुंदर से स्मॉल पॉट्स हैं, और ये सकलेंट्स वैरायटीज़ के पौधे रखे हुए हैं, शेड में रखे हुए हैं। इनमें देखिए पानी भी नहीं ज़्यादा लगाना पड़ता है और कम देखभाल में चल जाते हैं ये। ये अंग्रेजी घास है, वो कोलियस, वो जेड प्लांट, वाव, बांस, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है। लक्ष्मी कमल, ये देखिए ड्रेसिना,
ये है सेवा का फल। हम अपने पॉट्स में लगाते हैं तो पौधे इतने अच्छे नहीं ग्रो करते हैं जितने अच्छे यहाँ पर हमारे गेस्ट हाउस में ग्रो हुए हैं। ये हमारा ड्रेसिना है, ये हमारा क्रोटॉन है, ये क्या नई वैरायटी का गुड़हल है? हाँ। कैसे कलर का आता है इसमें? ये लाल आता है, गुलाब जैसे हाइब्रिड है। अच्छा, ये हाइब्रिड हाइब्रिड गुड़हल है। इसमें बहुत बड़ा सा फूल आता है, जब मौसम में फूल खिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी। एक क्रोटॉन ये है, इसकी पत्तियाँ डिफरेंट टाइप की हैं, त्रिभुज जैसी बनी हुई, तिकोनी तिकोनी सी हैं। अरेलिया है आगे। हाँ, ये अरेलिया है, ये अरेलिया, अरेलिया बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पौधा है। बाबा बता रहे हैं कि ये इसका नाम मनीहट है, ये ब्यूटीफुल प्लांट। ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ये ग्रीन ड्रेसिना, ये देखिए फूल, ये अकेली फाका फूल है, ये ऐसे बॉटल ब्रश जैसा आता है, ये इसका प्लांट है। पीछे यूफोर्बिया लगा हुआ है, उसका भी मौसम नहीं है फूलों का, इसलिए ये भी ये ड्रेसिना की वैरायटी है। हाँ। ये देखिए ये ड्रेसिना की वैरायटी फ्रेंड्स। आगे एक जोरा है, एक जोरा है प्लांट, एक जोरा, एक जोरा से मिलवाते हैं आपको। देखिए इसकी पत्तियाँ, इसमें फूल आएगा गुच्छा में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़ पर मनी प्लांट चल रहा है, और पेड़ पर जाते इसका तना कितना मोटा हो गया है। ये इसका तना है, और ये है दरअसल, ये देखिए मॉन्स्टेरा की लीफ। नीचे तो उसकी नीचे मनी प्लांट है, और ऊपर ये बरगद दिखाओ पीला मॉन्स्टर मॉन्स्टेरा। अरे फ्रेंड्स, बिल्कुल नई चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने कभी पीला बरगद देखा? ये पीला बरगद है, बिल्कुल नई चीज़। ये पीले रंग का बरगद है, इसके ये इसकी बोनसाई बनेगी यहाँ पर। आपने यहाँ तक मेरी वीडियोस देखी, सुंदर सुंदर प्लांट्स देखे, बहुत अच्छा सा देखा सारा सीन, सारे मनी प्लांट। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ साथ माली बाबा भी बता रहे हैं आपको सभी कुछ। थैंक यू फ्रेंड्स।